पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भामती 550 पृष्ठ 215 ब्रह्मसूत्र। विशेषानुगतिभ्याम् तत्र विशेषं व्याचष्टे विशेषो हि इति भोक्तृणाम् उपकार्यत्वात् भूतेन्द्रियाणां च उपकारकत्वात् साम्ये च तदनुपपत्तेः सर्वजनप्रसिद्धेश्च विज्ञानञ्चाभवत् अविज्ञानञ्चाभवत् इति श्रुतेश्च विशेषश्चेतनाचेतनलक्षण लक्षणः प्रागुक्तः स नोपपद्यते। पूर्व पक्ष का निराकरण इस सूत्र के माध्यम से किया गया। जगत में चेतन अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं। केवल अचेतन पदार्थ ही नहीं, चेतन पदार्थ भी उपलब्ध हैं। उद्भिज, अंडज, स्वेदज, जरायुज, इन प्राणियों का जब उल्लेख हम करते हैं तब ये चेतन माने जाते हैं। भले ही सूक्ष्म विचार करने पर इन प्राणियों के देहेंद्रीय प्राणांतःकरण अचित सिद्ध हों, लेकिन चित धातु के अभिव्यंजक देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण सिद्ध हैं। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इस दृष्टि से स्थावर प्राणी जो हैं तरुलता गुल्म इत्यादि, उनका जो स्थूल विग्रह है उसमें कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों प्राणों और अंतःकरण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के संस्थान नहीं है। तथापि मनुस्मृति महाभारत आदि के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार अंतः चेतना संपन्न ये प्राणी हैं। शब्द का भी इन पर प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का भी इन पर प्रभाव पड़ता है, रूप रस गंध का भी इन पर प्रभाव पड़ता है, और शब्द को ये सुनते भी हैं, स्पर्श करते भी हैं। और लताएं ऊपर चढ़ती हैं तो जब तक अंतर्निहित नेत्र ना हो तब तक ऊपर चढ़ना फैलना इत्यादि संभव ना हो। इसका मतलब पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां इनके जीवन में भी हैं, अंतर्निहित विकसित नहीं है, क्योंकि इनका भी व्यंजक संस्थान स्फुट रीति से तरुलता गुल्म इत्यादि के स्थूल शरीर में परिलक्षित नहीं है। इनको प्राणी कहते हैं, प्राणस्पंदन से युक्त हैं ही। एक ही वृक्ष में
प्राण शक्ति जितने अंश में विलुप्त हो जाती है उतने अंश शुष्क हो जाता है, शेष अंश प्राण शक्ति प्रतिष्ठित रहने पर उज्जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि ये प्राणी तो है ही। भारत के जगदीश चंद्र बसु जी ने यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर, जिनको हम उद्भिज स्थावर प्राणी कहते हैं, उनको भी प्राणी सिद्ध किया, और वेदादि शास्त्रों में तो पहले से ही इनको प्राणी कहा गया है। इसका अर्थ है कि जगत में दोनों प्रकार के पदार्थ हमको दिखाई पड़ते हैं, कुछ बिल्कुल चेतना शून्य है, कुछ चेतना संपन्न है। मूल बात क्या है कि भोक्ता और भोग्य का विभाग तो करना ही होता है। आखिर कोई चेतन ही ना हो, भोक्ता ही ना हो, तो जगदान्ध्य प्रसंग की प्राप्ति होगी। समस्त भोग्य वर्ग भोक्ता का भोग होता है, तो भोग्य वर्ग जो होगा उसमें जड़ता का सन्निवेश होगा, जो भोक्ता होगा उसमें चेतनता का सन्निवेश होगा, या उसे चेतन मानना पड़ेगा। जीवो जीवस्य जीवनम जब भागवत में कहा गया, लोकानुभव से भी सिद्ध है, और 17 प्रकार के अन्न का वर्णन पृथ्वी जी के चरित्र में प्राप्त है, तो प्राणियों के शरीर भी प्राणियों के आहार बन जाते हैं। विचित्र बात है, बिल्ली भी प्राणी है, चूहा भी प्राणी है, लेकिन चूहा बिल्ली का आहार बन जाता है। इस प्रकार से कहीं मेढक को सर्प खा लेते हैं, कहीं सर्प को मेढक खा जाते हैं, अलग अलग विभाग है। लेकिन शरीर की दृष्टि से कोई शरीर भोग्य बन जाता है, लेकिन उसमें भी जो भोक्ता है वो चेतन ही माना जाता है। तो भोक्ता को चेतन मानना, भोग्य को जड़ मानना आवश्यक है। केवल जड़ प्रपंच की सिद्धि नहीं होती, चेतन की भी सिद्धि होती है। प्राणी तत्वतः जीवाधिष्ठित होने के कारण चेतन माने जाते हैं, अन्न जल इत्यादि को जड़ माना जाता है। तो विज्ञानंच अविज्ञानंच यह जो श्रुति है, चेतन और जड़ दोनों का संवेद स्वरूप यह जगत है, इस तथ्य को उद्भाषित करती है। यह कहा जगत के पदार्थों में विशेषता है, कोई चेतना संपन्न, कोई चेतना विहीन, कोई भोक्ता, कोई भोग्य, या तो भेद परिलक्षित होता ही है। भोक्तृणाम उपकार्यत्वात् भूतेन्द्रियाणाम च उपकारकत्वात् साम्य च तदनुपत्ते है। भोक्ता जो होता है, बहुवचन में भोक्ता जो होते हैं, उपकार्य होते हैं, भूत और इंद्रिय ये उपकारक मान्य हैं। उपकारक का नाम ही शेष हो जाता है, उपकार्य का नाम ही शेषी हो जाता है। तो शेषी और शेष, भोक्ता और भोग्य, यह विभाग तो हमको देखने को मिलता ही है। भूतेन्द्रियाणाम, अब भोक्ता को भी भूतेन्द्रिय तो चाहिए। पंचभूतों का तारतम्य संघात हमारा शरीर है, और इंद्रिय भी चाहिए। इसका मतलब क्या है, भोक्तृत्व की सिद्धि के लिए भी भूतेन्द्रिय की आवश्यकता है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। आत्मा का अर्थ भगवान शंकराचार्य महाभाग ने शरीर किया प्रसंगानुसार। भूत और इंद्रिय, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, फिर इंद्रियों से ऊपर है मन। तो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण की प्राप्ति न हो तो भोक्तृत्व की सिद्धि न हो। औपाधिक भोक्तृत्व है, कर्तृत्व भी औपाधिक है। इसका मतलब भोक्तृणाम उपकार्यत्वात्, उपकार्य उपकार का भोक्ता, जिसके जिसका कोई उपकार करता है, उपकारी उसका भोक्ता हो जाता है। भूतेन्द्रियाणाम च उपकारकत्वात् उपकारक, ये मेरे बहुत उपकारक हैं। इस प्रकार
भोक्तृभाव भी भोग्य भाव भी हमको परिलक्षित होता है। जड़ता की दृष्टि से हम कहते हैं भोग्य, चेतन की दृष्टि से हम कहते हैं भोक्ता। दोनों विभाग न हो तो जगत की निष्पत्ति ही न हो। आखिर जगत की संरचना का प्रयोजन क्या है? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च जनानाम। यहाँ कहा ना सिद्धराज स्वामी जी ने टीका की, भाष्य किया, जनानाम माने जीवार्था सृष्टि। भगवान ही सृष्टि की संरचना करते हैं, लेकिन जीव के निमित्त बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान, बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण अभिव्यंजक संस्थान हो गया स्थूल शरीर। तो देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण जो हैं ये उपकारक हैं, इन्हीं की उपाधि से जीव जो है वो भोक्ता होता है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने आत्मा का अर्थ आत्मा ही कर दिया है, कहीं कहीं भगवान शंकराचार्य महाराज ने प्रसंगानुसार शरीर किया। तो शुद्ध आत्मा ही नहीं, भोक्तृत्व की सिद्धि के लिए इंद्रिय मन की भी आवश्यकता है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। हाँ, आत्मा में भोक्तृत्व की प्राप्ति तब होती है जब आत्म तत्व हो। जीव भावापन्न कब होगा? जब उसमें इंद्रिय अंतःकरण का सन्निवेश होगा। भगवान शंकराचार्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, आत्मा का अर्थ यहाँ पर देह लेंगे। देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण में तादात्म्यपन्न जो चित्त धातु है उसी का नाम भोक्ता है। तो भोक्ता इनसे संश्लिष्ट होता है या जीव से ये अधिष्ठित होते हैं, तब इनको चेतन सदृश हम मान लेते हैं। लेकिन वस्तुतः इंद्रिय भूत ही नहीं बल्कि इंद्रिय भी क्या हैं? उपकारक ही हैं। ऐसे बाह्य जगत का तो उपकारक है ही, भोग्य कोटि का है ही, लेकिन जब हम विभाग करेंगे तो हमारे जीवन में भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उपकारक हो जाएंगे और जीव जो है उपकार्य हो जाएगा। अर्थात भोग्य पदार्थ शेष कोटि के होंगे, भोक्ता जो होगा शेषी कोटि का होगा। साम्यचा तदनुपत्ते है। अब अगर सबके सब चेतन ही हों या सबके सब जड़ ही हों, भोक्ता और भोग्य का विभाजक ही न बने, तो फिर विज्ञानं च अविज्ञानं च श्रुति की सार्थकता कैसे हो? और अनुभूति भी कहाँ जाकर चरितार्थ हो? अनुभूति का प्रलाप नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? जब अनुभूति का प्रलाप नहीं कर सकते तो केवल चेतन भी नहीं, केवल जड़ भी नहीं, दोनों के योग से जगत की निष्पत्ति हुई है, यही तो मानना होगा। ये तो वेदांत प्रस्थान है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधिवर्तन सभा। गीता का 13वां अध्याय। चेद अधिष्ठित प्रकृति के द्वार से जगत की संरचना हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम हेतुना ने न कौनते यह जगत भी परिवर्तते। इस दृष्टि से विचार करें तो एक विचित्र पक्ष उपस्थित होता है या उपस्थापित करने की आवश्यकता है कि जगत का कोई ना कोई तो निमित्त कारण चाहिए, उपादान कारण चाहिए। अब अगर जगत का उपादान कारण केवल प्रकृति को मान लें और उसी का परिणाम जगत को मानेंगे तो क्या होगा? जगदान्ध्य प्रसंग की प्राप्ति होगी। जगत में कोई भोक्ता ही नहीं रहेगा, चेतन ही नहीं रहेगा। तो दरी दरी के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, मिठाई मिठाई के लिए नहीं है, मलाई मलाई के लिए नहीं है, सब जीव के भोग्य हैं। तो भोक्ता के बिना तो भोग्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा।
और चेतन कम से कम जगत की संरचना करने वाला तो चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित संकल्प ईक्षण के कर्ता कोई सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वशक्तिमान नहीं होगा। तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की संरचना कोई सामान्य व्यक्ति कर लेगा, सामान्य चेतन नहीं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन जगत का निमित्त कारण चाहिए। अब अगर उपादान कारण कोई जड़ ही पदार्थ हो तो विसंगति क्या होगी? कोई भी तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं होगा। नैयायिकों के यहाँ कोई एक ऐसा तत्व नहीं है जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो। वैशेषिकों के मत में भी यही विसंगति है कि उनके यहाँ कोई वस्तुकृत परिच्छेद शून्य वस्तु नहीं है। सांख्यों के यहाँ भी प्रकृति को ले लें, प्रकृति को ले लेंगे तो महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत प्रकृति के परिणाम तो गिन सकते हैं, लेकिन एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान नहीं होगा, पुरुष का ज्ञान छूट जाएगा। पुरुष का ज्ञान हो गया, एक तो पुरुष भी होता हुआ अनेक है, कदाचित पुरुष का ज्ञान हो गया तो प्रकृति और प्राकृत प्रपंच का ज्ञान, तो उनके यहाँ कोई वस्तुकृत परिच्छेद शून्य वस्तु ही नहीं है। योगियों के यहाँ भी, मीमांसकों के यहाँ भी, और जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म तत्व को नहीं मानते उनके यहाँ भी वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं है। तो अनंत का क्या लक्षण है? सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। अनंत किसको कहेंगे? जिसका अंत न हो। अंत कितने ढंग से होता है? तीन ढंग से। कोई काल के चपेट में आ गया तो अंत हो गया, कोई देश के चपेट में आ गया तो अंत हो गया, कोई वस्तु चपेट में आ गया तो अंत हो गया उसका। जो नित्य नहीं है वो कालकृत परिच्छेद युक्त है, जो विभु नहीं है वो देशकृत परिच्छेद युक्त है, जो सर्वात्मा नहीं है वह सर्वरूप नहीं है, वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। तो इसका मतलब हुआ कि काल के चपेट से कोई वक्त भी गया, नित्य होने के कारण, व्यापक होने के कारण देश के चपेट से मुक्त हो गया। दो तरह से अनंतता तो सिद्ध हो गई, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य अगर नहीं है तो वस्तुअंतर के द्वारा कवलित है। इसका मतलब क्या है? अनंतता पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुई। इन लोगों के यहाँ कोई अनंत तत्व, तीनों दृष्टियों से अनंत तत्व सिद्ध नहीं होता, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। मधुसूदनी टीका जो गीता के चौथे अध्याय पर है उसके अनुसार क्या करेंगे? ऊपर से विचार करेंगे, नीचे से विचार कर सकते हैं। कालकृत परिच्छेद शून्य है लेकिन देशकृत परिच्छेद शून्य नहीं है, यह विसंगति आ जाती है परमाणुओं को लेकर। वैशेषिकों के मत में, नैयायिकों के मत में पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं वो नित्य तो हैं लेकिन विभु नहीं हैं, तो अनंतता पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं है। आकाश जो है, अब प्रश्न क्या है? वेदांतियों के यहाँ तो आकाश की उत्पत्ति होती है, सांख्यों के मत में भी, योगियों के मत में भी। आकाश को क्या कहेंगे? व्यापक तो कहेंगे लेकिन नित्य नहीं कह सकते, क्योंकि काल कवल तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूत, भाव पदार्थ है, उत्पन्न होता है तो नाश तो उसका होगा। आखिर आकाश भी महाप्रलय की दशा में अपने कारण में विलीन होगा ही, बड़ी विसंगति है। इसीलिए विभु है लेकिन नैयायिक वैशेषिक नित्य मानेंगे, तो वो कालकृत आकाश जो है विभु होने के कारण देशकृत परिच्छेद शून्य है, तो कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही उनके मत में। जो पदार्थ देशकृत परिच्छेद शून्य होता है सुतराम कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है, जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वो देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। लेकिन हमारे यहाँ आकाश व्यापक होने पर भी कालकृत परिच्छेद शून्य नहीं है,
अब इन सबों के यहाँ एक दोष आ गया कि वस्तुकृत परिचय शून्य कोई पदार्थ ही नहीं है, इसीलिए फिर एकत्व की सिद्धि कब होगी, जब ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानेंगे। लेकिन अब जगत प्रत्यक्ष प्रमाण से जितना अंश जगत का हमको अधिगत है उसी को प्रमाण माने, जगत माने कारिक कोटि का पदार्थ स्थावर जंगम, समस्त जगत तो हमारे लिए प्रत्यक्ष है ही नहीं, आकाश को क्या प्रत्यक्ष कहेंगे हम। बहुत से ऐसे तत्व हैं, अतीन्द्रिय तत्व हैं जिनको हम जानते नहीं, जितना हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसमें भी देखें तो केवल जड़ वस्तु को लेकर काम नहीं, अचेतन ही चेतन हो तो भोग्य कौन हो, चेतन ही एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है, तो इसमें क्या हुआ, वो जो खाता है वो जीव जीव को खाता है कि उसके शरीर को खाता है, वहाँ भी भोग्य अंश जो होगा एक जीव उसमें भोक्तृत्व तो जो जाएगा वो चेतन पे जाएगा और भोग्य अंश जो होगा वो जड़ पे जाएगा। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम जब कहेंगे यहाँ जीवो जीवस्य जीवनम, तो देह में जा कर के दोनों जगह सर्प ने खा लिया चूहे को, बिल्ली ने खा लिया चूहे को, तो उसमें सर्प ने खा लिया तो सर्प के शरीर ने खाया तो भोक्तृत्व तो जाएगा चेतन पर, और जो खाया चेतन भोग्य हो नहीं होगा उसके शरीर पर भोग्यत्व तो चला जाएगा। ऐसे एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है उसमें भी जड़ अंश ही भोग्य बनता है और जड़ अंश भोक्ता नहीं बनता, भक्षक जो होगा उसमें चेतन अंश की प्रधानता होगी तभी वो भक्षक या भोक्ता होगा, भोग्य जो होगा उसमें जड़ अंश को लेकर ही भोग्यत्व की सिद्धि होगी। तो यहाँ पर विशेषता यह है कि जड़ ही जड़ नहीं है, चेतन ही चेतन नहीं है, विज्ञान भी है विज्ञान भी है, चेतन भी है जड़ भी है, इस श्रुति की संगति भोक्ता और भोग्य को लेकर चल सकती है। उनको सुनने में कठिनाई हो ना तो आगे से आगे बैठा दिया करें, ठीक है, रहने देना। मार्ग मत में भी हाँ, मार्ग मत में किसमें, माध्यमत में, माध्यमत यहाँ कहाँ से आ गया, वस्तुगत परिच्छेद तत्व। अच्छा, द्वैत मानेंगे तो वस्तुगत परिच्छेद का शून्यता का कोई प्रश्न नहीं उठता, जब द्वैत मानेंगे द्वैत कोई मानेंगे तो अद्वैत की सिद्धि के लिए वस्तुकृत परिच्छेद शून्यता आवश्यक है, जब द्वैत ही मान लिया तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई वस्तु रह जाए संभव ही नहीं। द्वैत ही द्वैत, द्वैत प्रधान अद्वैत विशिष्टाद्वैत, और निम्बार्काचार्य जी का पक्ष है भेदाभेद द्वैत अद्वैत को तुल्य बल, वल्लभाचार्य जी का पक्ष है अद्वैत ही अद्वैत ऐसे, लेकिन विवर्तवाद को स्वीकार किए बिना। अगर श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग छोड़ दें तो वल्लभ सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, कश्मीरी शैवों का सिद्धांत, वहाँ शिव कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण या पुरुषोत्तम कहते हैं, सिद्धांत वल्लभाचार्य का वो अपना जो है वो कहाँ से है, मूल में अभिनव गुप्त इत्यादि जो हुए हैं शैव कश्मीरी शैव जो हुए हैं उन्हीं का सिद्धांत वल्लभ मत है, वहाँ शिव शिव कहते हैं यहाँ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं, सगुण साकार देवता को लेकर या शिव नाम को लेकर, और यहाँ श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम को लेकर भेद है, बाकी सिद्धांत वो अभिनव गुप्त पादाचार्य जी का है, विवर्तवाद न मान करके परिणामवाद मानते हैं, तो अद्वैत ही अद्वैत विशुद्धाद्वैत विशुद्ध अद्वैत। यह मध्वाचार्य जी की दृष्टि से तो फिर आनंद तत्व उनके यहाँ सिद्ध नहीं होगा,
कोई का मतलब कालकृत परिच्छेद तो मानेंगे ही, व्यापक मानते हैं आकाश आदि को, तो देशकृत परिच्छेद वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होगा, सर्वथा अनंत नहीं होगा ये कह सकते। सर्वथा अनंत तो जगत को अभिन्न, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण जब तक तो ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान भी संभव नहीं होगा, और कोई पदार्थ या तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी नहीं होगा, तो इसका मतलब एक अनंतता सिद्ध नहीं होगी। कालकृत परिच्छेद शून्य भी है, देशकृत परिच्छेद शून्य भी है, अगर वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं है तो पूर्ण रूप से अनंत नहीं है, पूर्ण रूप से अनंत नहीं है तो किसी अंश में मरणशील है मृत्युग्रस्त है क्षयशील है। तो उपकार या उपकारक भाव को नहीं मानेंगे तो विज्ञान और अविज्ञान की संगति कहाँ से लगेगी। तदनुपत्ते है सर्वजन प्रसिद्धेश्च विज्ञानंच भवत, अविज्ञानम छूट गया है, विज्ञानंच अविज्ञानंच अभवत इति श्रुतेश्च विशेषश्चेतना चेतन लक्षण प्रागुक्त स नोपपद्यते। जगत में विशेषता क्या है, चेतन भी है अचेतन भी है, दोनों का सम्मिलित रूप जगत, तो कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो व्यति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। केवल क्षेत्र ही क्षेत्र रहे तो क्या होगा, खेत ही खेत रहे कोई किसान ही न रहे तो, केवल क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्रज्ञ रहे तो क्षेत्रज्ञ बनेगा या नहीं, क्षेत्र होगा तब तो क्षेत्रज्ञ बनेगा ना, क्षेत्र धन ज्ञान बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ ऋण क्षेत्र क्या हो जाएगा ज्ञान, ज्ञान माने क्षेत्रज्ञ ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र। क्षेत्रज्ञ शब्द की निष्पत्ति ही क्षेत्र के अस्तित्व को सिद्ध करती है या नहीं, क्षेत्रज्ञ शब्द कैसे बनेगा, क्षेत्र धन ज्ञों क्षेत्रज्ञों और क्षेत्रज्ञ ऋण क्षेत्र क्या हो जाएगा, ज्ञों बच जाएगा क्षेत्रज्ञ, इसका मतलब भोग्य और भोक्ता दोनों का सम्मिलित रूप हो गया ना क्षेत्रज्ञ, असंग भी हो गया, क्षेत्र का जानकार जो होगा उसका नाम क्षेत्र, क्षेत्र को जानने वाला, तो क्षेत्र से विविक्त होने पर भी क्षेत्रज्ञ नाम हो गया, उपाधिक नाम है यह। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसको का इदम शरीरम, ये इसके जो वर्गीकरण किया गया इदम का तो क्या कहा गया, 24 तत्व महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः, ये 24 तत्व आ गए। क्षेत्र का उपादान कौन हुआ, 24 तत्व क्षेत्र, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, अब इसके उपादान पर वर्णन का निरूपण किया गया है तो 24 तत्व निकले, 24 तत्व में सबसे ऊपर का तत्व कौन है, अव्यक्त प्रकृति, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अव्यक्त, इंद्रियान् दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, लेकिन सब मिला करके जब लेंगे तो नीचे से ऊपर गिनते गिनते अव्यक्त प्रकृति या प्रधान तक आएंगे, ऊपर से गिनेंगे तो प्रकृति फिर महत्तत्व ये सब गिनेंगे, तो समस्त क्षेत्र का कार्यकोटि के जो क्षेत्र है उसका पर्यवसान किस में हुआ, प्रकृति में। जब क्षेत्र का नाम प्रकृति हो गया तो क्षेत्रज्ञ का नाम क्या हो गया, पुरुष, इसलिए जिसको पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा भगवान ने, बाद में जाकर उसी को प्रकृति और पुरुष कह दिया। जब प्रकृति को क्षेत्र बनाएंगे तो एक जीववाद की सिद्धि होगी या अनेक जीववाद की, लो जी गेल भैंस पाइन में
एक जीववाद की सिद्धि क्यों होगी? प्रकृति एक है या अनेक? एक है। तो कितना विशाल हो गया क्या? इदम को कहाँ ले गए भगवान? या घट। अब घट का जब वर्णन करेंगे तो घट को कहाँ मिलाएंगे? उपादान में मिट्टी का मृद घट, मिट्टी। मिट्टी का समष्टि रूप क्या होगा? पृथ्वी। पृथ्वी का फिर कारण कौन होगा? जल। जल का कारण कौन होगा? तेज। तेज का कारण कौन होगा? पवन, वायु। वायु का कारण कौन होगा? आकाश। आकाश का कारण कौन होगा? अष्टधा प्रकृति के दृष्टि से तब अंतत्व। उसका कारण कौन होगा? महत्तत्व। उसका कारण कौन? अव्यक्त। अभिदम कहाँ जाके बैठ गया? अव्यक्त। अव्यक्त को क्या कहेंगे? प्रकृति प्रधान या माया। इदम कहने पर वो इदम चलते चलते कहाँ जाकर टिक गया? प्रकृति पर, अव्यक्त पर। शरीर कहाँ जाकर टिका? प्रकृति पर। प्रकृति ही में बाकी जो 23 तत्वों का अंतर्भाव हो गया, महत्तत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत। इधर 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण सब मिलाकर 16 विकृति, अष्टधा प्रकृति 16 और 8 और 7 प्रकृति विकृति या 16 विकृति। 16 और 7 कितने होते? 23। एक प्रकृति, सप्त प्रकृति विकृति और एक प्रकृति, और एक प्रकृति ही प्रकृति। 16 प्रकृति विकृति और 7 16 प्रकृति विकृति नहीं, 16 विकृति और 7 प्रकृति विकृति और एक प्रकृति ही प्रकृति। 16 7 और एक कितने हो गए? 24। 16 और 7 23 कितने हो गए? कार्य। कार्य कोटि के प्रभेद हो गए 23। और अंत में कारण प्रकृति अव्यक्त है। इसका मतलब क्या हुआ? इदम को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले गए? ऊपर उठाते उठाते प्रकृति में सब का लय हो गया। अब प्रकृति को ही जो उसने क्षेत्र समझ लिया, वो हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, ये मेरा ये तेरा, उसको मारे बिना नहीं रहूँगा, कचुमर निकाल दूँगा, ये सब होगा क्या? उसका चिंतन कितना विशाल होगा क्या? तो भगवान ने किस ढंग से ऊपर उठाया? इदम शरीरम कौन्तेय, अंत में प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि, और अंत में भूता प्रकृति मोक्षम च। अब वो जीव को कहाँ जाके बैठा दिया? प्रकृति के ऊपर। अब प्रकृति का भी मोक्ष कर दिया, भूता प्रकृति मोक्षम च। ये विदुर यान्ति ते परम। भूत माने पंचभूत, भूत माने कार्य कोटि के पदार्थ भी ले सकते हैं 23, और प्रकृति 24 में। मोक्ष माने इनका बाध। हाँ, एक विचित्र बात है, मध्वाचार्य जी बिल्कुल अद्वैतवादी थे। भूत प्रकृति मोक्षम का अर्थ वही किया है जो शंकराचार्य जी ने। जब इस श्लोक का अर्थ शंकराचार्य जी ने जो किया वही किया कर दिया, तो बिल्कुल क्या थे? अद्वैतवादी थे। लो, भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ वही किया है शंकराचार्य जी ने, जो कि अर्थ वही किया उन्होंने। तो हो गया, कहाँ द्वैतवादी रहे। न सत्व विद्यते भाव का अर्थ श्री रामानुजाचार्य जी ने वही किया जो शंकराचार्य ने किया, इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रस्थान भेदा ग्रंथ लिखा। इन आचार्यों को लेकर नहीं, उन्होंने ये वैशेषिक न्याय ये सब का विश्लेषण करके प्रस्थान भेद हमें लिखा है। ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे, तो फिर इनके इतना भेद क्यों है? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए। हम जो जीव हैं, जहाँ आसन से मत डोल रहे तो ये पिए मिलेंगे। हमारा जो असली स्वरूप है उसे कितने गिर गए, कितने गिर गए? हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, हाँ,
ये अपना, ये तेरा, मैं मेरा, तू तेरा, यही ना। इसीलिए कहा कि जो गिरा हुआ जीव है सहसा अद्वैत को कैसे मान लेगा। शनै शनै सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में ये आस्तिक दर्शनों का पर्यवसान है। फिर ये जो वेदांत दर्शन को लेकर माध्य मत से लेकर वल्लभ मत तक है, सिद्धांत है, ये तो हमारे बहुत नज़दीक हैं। कितने प्रतिशत नज़दीक हैं? कर्मकांड, वर्णाश्रम को, ये सब वर्णाश्रम के पक्षधर थे, खंडन करने वाले कोई नहीं थे, मध्वाचार्य इत्यादि। कर्मकांड परक श्रुतियाँ 80%, विष्णु पुराण 16%, उपासना कांड परक श्रुतियाँ 4%, ज्ञान कांड परक श्रुतियाँ 80, 16, 4 कितने हो गए? 100। 80% मध्वाचार्य आदि से हमारा साम्य हुआ या नहीं? कर्मकांड को लेकर शंकराचार्य और मध्वाचार्य जी में कोई भेद है क्या? एक है। वर्णाश्रम को अपशूद्राधिकरणम ब्रह्मसूत्र में, जो भी जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा उसमें कोई मतभेद नहीं है। धर्म को लेकर कोई मतभेद तो नहीं है ना। उपासना को लेकर भगवान शंकराचार्य क्या भगवान का अवतार नहीं मानते? इतनी कट्टरता से मानते, दृढ़तापूर्वक। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को माँ कहा, अरे मेरी कृष्ण नामक मैया, अपने श्लोक में। अब उनके तो कुलदेव ही श्री कृष्ण हैं, हम तो गए हैं ना काल, भगवान शंकराचार्य के कुलदेव श्री कृष्ण ही हैं। और सगुण परक, साकार परक, इतने श्लोक लिखा गीता पर है। उपासना कांड को लेकर जो 16%, वो भी मतभेद नहीं है। तो 80 और 16 कितने हो गए? 96%। और ज्ञान कांड को लेकर मध्वाचार्य जी से मान लो 1% साम्य है, तो 97%। वल्लभाचार्य जी से मान लो 3% और साम्य हो गए, ज्ञान कांड 4% बचा ना, तो 99% तक सामंजस्य बढ़ जाता है। कम से कम कितने? 97%। 97% साम्य को जब है तो, और अधिक से अधिक 99% साम्य है, तो फिर लड़ना झगड़ना लाठी गोली फालतू है या नहीं? क्या विचित्र बात हुई या नहीं? इसीलिए ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? ब्रह्मसूत्र से। जगत ईश्वर कर्तृक है, जगत के निमित्त कारण भगवान है, यह सिद्ध करना ही एड़ी चोटी का परिश्रम करना पड़ता है। सांख्य मत का खंडन क्या? तदैक्षत अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य अतः तटस्थ लक्षण लक्षित। ईश्वर को पहले प्रस्तुत क्यों किया वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में? ब्रह्मसूत्र ही तो है ना। अगर स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म का ही वर्णन कर देते तो शास्त्रार्थ का प्रसंग ही नहीं आता। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को पहले रखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य अतः तत्व समन्वयात, ये सब इच्छतेर न शब्दम, इसलिए कि सांख्यों से शास्त्रार्थ का, जगत का निमित्त कारण ईश्वर को सिद्ध करने में ही एड़ी चोटी का परिश्रम होता है। फिर कई उपादान कारण माने तो ब्रह्म का परिणाम पहले सिद्ध करना पड़ता है क्या? हाँ, जगत ब्रह्म उपादान कारण की सहिष्णुता उत्पन्न करने के लिए पहले ब्रह्म का परिणाम जगत को सिद्ध करना पड़ता है। कैसा परिणाम? कार्य को उत्पन्न करने पर भी जो कारण शेष रह जाए वो परिणामी। दूध दही को उत्पन्न करके शेष रह जाएगा, फिर दही से दूध की प्राप्ति होगी? कहाँ से बोल रहे? वेदानुवचन नामक ग्रंथ है बाबा नगीना सिंह का, हमने 74-73 में पढ़ा होगा। तो दूध का जो परिणाम दही है वास्तव में दूध उपादान है या नहीं, इस पर बहुत विचार है। ऐसा उपादान जो कार्य को उत्पन्न करके शेष रहे और अंत में कार्य जिसमें विलीन हो जाए, दूध में यह लक्षण नहीं होता। दूध से दही की निष्पत्ति होती है, लेकिन दही की निष्पत्ति हो जाने पर दूध शेष नहीं रहता, फिर दही का पर्यवसान दूध में हो नहीं सकता। लेकिन मिट्टी से जब घट बनता है तो घट काल में
मृतिका शेष रहती है और घट के फूट जाने पर भी मिट्टी शेष रहती है। उदय निलय विलय स्थान होना चाहिए ना। तो ब्रह्म जब ऐसा ही है ना, नहीं तो कितने तत्व हो जाएं, कार्य को उत्पन्न करके कारण रही ना जाए तो परिणाम बाद में भी फिर तो पार्थिव प्रपंच या पृथ्वी ही रह जाए, ऊपर के तत्व ही न शेष रहें। ऊपर के तत्व शेष नहीं रहेंगे ना, फिर 24 तत्व कैसे होंगे अचित पदार्थ के, अंतिम कार्य ही रह जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि परिणामवाद भी विवर्तवाद की सहिष्णुता को उत्पन्न करता है या नहीं। ऐसा परिणामी द्रव्य चाहिए जो कार्यांतर के रूप में, तत्वांतर के रूप में परिणत हो जाने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखे। तो विवर्तवाद की सहिष्णुता परिणामवाद को स्वीकार किए बिना कैसे संभव है? तो भाष्यकार भगवान का को कितना श्रम करना पड़ा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के लिए। पहले तो ईश्वर की सहिष्णुता निमित्त कारण भगवान को मान करके, फिर ब्रह्म का परिणाम जगत को मान करके ब्रह्म की सहिष्णुता फिर ले गए विवर्तवाद पर। परिणाम को स्वीकार किए बिना विवर्त की सहिष्णुता नहीं आएगी। निमित्त कारण ही ईश्वर को नहीं मानेंगे तो उपादान कारण का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। तो पहले ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, फिर ईश्वर को परिणामोपादान कारण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, फिर विवर्तोपादान कारण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ, क्या हुआ फिर? जल से बर्फ हो जाएगा, जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे कल कहा था ना, जल में अनागंतुक शैत्य है या स्वभाव सिद्ध शैत्य है, शीतलता स्वभाव सिद्ध है, लेकिन वायु आदि के योग से, देश विशेष में वायु आदि के योग से क्या होता है, शीतलता की प्रगल्भता बढ़ जाए, शीतलता तो हिम का रूप धारण कर लेता है। हिम को जल का रूप दे सकते या नहीं, जल को हिम का रूप दे सकते हैं या नहीं? जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, यह है ना, अनागंत स्वनिष्ठ अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता, अवान्तर हेतु निमित्तक स्वनिष्ठ अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता से जल हिम का रूप धारण करता है। हिमावस्था में भी जल जल रूप से शेष ही रहता है, हिम का पर्यवसान पुनः तापक द्रव्य के योग से जल रूप में हो जाता है। बोलोगे क्या, क्या नाम पीछे कौन महापात, सुरेश महापात कविता बन गई या नहीं? कैसे कविता बनी? जल अनागंतुक स्वनिष्ठ स्वभाव सिद्ध या निसर्ग सिद्ध शैत्य में अवान्तर हेतु निमित्तक प्रगल्भता प्राप्त होने पर हिम का रूप धारण करता है। हिमावस्थापन्न जल भी जल रूप में ही विद्यमान रहता है। तापक द्रव्य का संसर्ग प्राप्त होने पर हिम पुनः जल के रूप में उद्भासित होता है, तावता जल ही हिमाकार परिलक्षित है। जल विहीन हिम का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है। हिम की अर्थक क्रियाकारिता कुछ विलक्षण होने पर भी अर्थक क्रियाकारिता का संपूर्ण श्रेय किस पर जाता है? जल पर ही। अगर जल ही न रहे तो हिम की विशेष अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि भी न हो। ऐसा, चलो ये हो गई कविता। अब आ गए चल, हाँ ठीक, कहाँ था? साम्यच तदनुपत्ते सर्वजन प्रसिद्धेश्च विज्ञानंच विज्ञानंच अभवत् इति श्रुतेश्च विशेषश्चेतना चेतन लक्षण प्रागुक्ता सानुपपद्यते। इस श्रुति के बल पर जो चेतन अचेतन को लेकर विशेषता बताई गई उसकी सिद्धि नहीं होगी। केवल जड़ ही जड़ हो तो नहीं, केवल चेतन ही चेतन हो तो नहीं, केवल भगवान स्त्रियों की सृष्टि कर देते तो काम नहीं चलता, केवल पुरुषों की सृष्टि कर देते तो काम नहीं चलता।
जैसे यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से केवल जड़ ही की सृष्टि होगी थी तो किसके लिए, किसके लिए? चेतन भोक्ता के लिए। केवल भोक्ता होता तो उपकारी है, उपकारक है ही नहीं। भोक्ता हो तो भोक्ता हो माने उपकारी है, तो उपकारक भी चाहिए। उपकार या उपकारक भावापन्न या जगत है, इसका मतलब क्या है? इसके मूल में कोई चेतन और जड़ दोनों होना चाहिए, और दोनों के संयोग से जगत की निष्पत्ति होनी चाहिए। पहले क्या कर रहे हैं? सबको ब्रह्म सिद्ध करना सब एकाएक कैसे होगा? पहले जगत में दो भेद प्रस्थापित करना होगा, भोक्तृभेद और भोग्य भेद, उपकार्य भेद और उपकारक भेद। क्या तब कहाँ ले जाएंगे? गीता के अनुसार उपकार्य उपकारक को कहाँ जाके बैठा देंगे? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विद्धि। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, देखिए स्थावर भोग्य पदार्थ, जंगम माने भोक्तृ पदार्थ। यावत् संजायते किंचित सत्वम माने तत्व वस्तु, स्थावर जंगम। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र क्षेत्र के तो भोग्य वर्ग को जाके कहाँ बैठा देंगे? क्षेत्र 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 माने प्रकृति, क्षेत्र के माने पुरुष, भोग्य वर्ग को क्षेत्र में जाकर डाल देंगे। दोनों का अनादि सिद्ध कर देंगे, प्रकृति में पुरुषं चैव विद्यनादि उभाव अपि। अब दोनों जब अनादि हो गए तो फिर द्वैत की प्राप्ति हो गई। प्रकृति में पुरुषं चैव विद्यनादि उभाव अपि विकारांश्च गुणांश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवान। लेकिन प्रकृति जो है विकार और गुणों की जननी है, विकार और गुणों की जननी होने के कारण तत्वतः अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्ययः। अनादि होने पर भी निर्विकार नहीं है, निर्गुण नहीं है, इसलिए अंत में प्रकृति की जो सत्ता हो गई न्यून हो गई, पुरुष की सत्ता प्रमुख हो गई, तो पुरुष हो गया कौन? शक्तिमान। प्रकृति हो गई शक्ति। इस प्रकार से प्रकृति तक ले जाकर प्रकृति का पर्यवसान पुरुष में कर देंगे। कहाँ से पकड़े? दो शाखा है क्या? दो शाखा है, अंत में जा कर के एक ही वृक्ष है, एक डाल से दो शाखा निकल गई। ऐसे ही यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, चूहे इत्यादि को देखा है? जितना भी सावधान रहें इस भवन में, इस कमरे में कैसे घुस सकता हूँ, वो अपना ढूंढ लेते हैं या नहीं रास्ता। ऐसे ही हमको चेतन जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसके लिए घुसने के लिए कोई जगह या चाहिए या नहीं। अब गीता के श्लोक का व्यवहार में उपयोग हम बता रहे हैं ना, या जब यहाँ शास्त्रार्थ चल रहा है, हमको सिद्ध क्या करना है? इसको क्या कहते हैं? बाबूजी आजकल आपके यहाँ कोई गाय वाय पलती है या नहीं? अरे उसको गाय वाय से क्या मट्ठा चाहिए? सीधे कैसे बोले कि मट्ठा दीजिए? हाँ भाई गाय वाय तो हम रखते हैं। अच्छा तो आजकल दूध देती है या नहीं? हाँ दूध भी देती है। तो फिर दूध का उपयोग दही आदि में होता है ना? हाँ दही बनते हैं। तो भाई कुछ मट्ठे की ज़रूरत थी, हमारे बेटे को बीमारी है पति के रूप में, ज़रा मट्ठे। हाँ अरे ले जाओ, घुमा फिरा कर मट्ठा मांगने के लिए, मट्ठा तक पहुँचने के लिए बाबूजी गाय वाय पालते या नहीं। ऐसा ऐसे ही हमको घुसने के लिए कहाँ चाहिए? भोक्ता और भोग्य, भोग्य भी है भोक्ता भी है, तो केवल जड़ नहीं है जगत, जड़ चेतन दोनों ही यहाँ पर हैं। तो यहाँ चेतन की सहिष्णुता उत्पन्न कर दी या नहीं? चलते चलते चेतन को पहुँचा दिया भोक्ता तक, जड़ को पहुँचा दिया प्रकृति तक, एक पुरुष तक ले गए, एक प्रकृति तक ले गए। अब प्रकृति को पहुंचा दिया पुरुष में विलीन करके, क्योंकि वो अनादि होने पर भी विकारों की जननी है, जबकि पुरुष अनादि होता हुआ एक तो है ही, विकारों का जनक नहीं है, इसलिए वो निर्विकार निर्विशेषता की अवधि है। प्रकृति को भी विलीन कर दिया किसमें?
पुरुष में, वहाँ तक पहुँचने के लिए यह है सुरंग मार्ग। क्या कैसे पहुँचें मानसरोवर तक, कैसे पहुँचें क्या किस देह तक, ये सब जो ज्ञान। अब वेदांताचार्य होने के लिए प्रमाण पत्र के लिए कोई पढ़ेगा तो सब थोड़े व्यवहार में दक्ष नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने कहा, शैलेंद्र पांडे जी दर्शन विभाग के अध्यक्ष है वन महाराज डिग्री कॉलेज वृंदावन में, हमको लोग दार्शनिक कहते हैं तो अब व्यावहारिक तो हम लोग होते ही हैं, अब दार्शनिक होगा अब व्यावहारिक होगा हमें तो नहीं समझ में आता, ये दार्शनिक हैं तो अब व्यावहारिक होंगे ही, अरे ये कोई बात थोड़ी। अब देह का भान ना हो वो अलग बात है। बहुत बढ़िया पंचदशी काटने का कोई पैरालिसिस का नाम है तत्व ज्ञान क्या? तत्व व्यवहार नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा कोई पैरालिसिस का नाम है तत्व ज्ञान क्या? क्यों नहीं हो सकता, व्यवहार में उतना दक्ष होगा या नहीं, सब जगह प्रवेश करने की क्षमता उसमें आ जाएगी ना। प्रकृति और पुरुष सबसे ऊपर है, उसको कहाँ ले आए, भोग्य और भोक्ता, उपकारी और उपकारक, उपकारी उपकारक ले गए तो उसको उपकारी को कहाँ बैठा देंगे, पुरुष पे जाके, उपकारक को कहाँ बैठाएंगे, प्रकृति पे जाके, फिर प्रकृति को कहाँ बैठाएंगे, गीता के 13वें अध्याय, यहाँ 13वें अध्याय से उल्लेख नहीं है लेकिन प्रायोगिक ढंग से प्रकृति को कहाँ बैठाएंगे, अनादि होने पर भी विकारों की जननी है, परमात्मा पुरुष जो है अनादि है, निर्गुण है, निर्विकार है, तो ठोस सत्ता किसकी हो गई, पुरुष की, वो अव्यय हो गया। प्रकृति बाध योग्य है इसलिए पूर्ण रूप से अव्यय नहीं है, जो बाध योग्य है उसमें क्षमता नहीं कि द्वैत का आधान कर सके, पुरुष को हम अद्वैत सिद्ध कर देंगे, इसका नाम है उपोद्घात। बाबूजी आजकल कुछ गाय वाय पालते या नहीं? ऐसे अच्छा, देवता शब्द कृतो वात्रा विशेषो, घंटी बज गई, ठीक है हम भी थक गए बोलते बोलते। देवता शब्द कृतो वात्रा विशेषो विशेष शब्दों नोच्यता इत्याह, विशेष शब्दे नोच्यता इत्याह, अपि च किसित की न नहीं कौशित की न होना चाहिए, कौशित की ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ, कौशित की न प्राण संवाद इति, संवाद इति हो गया। मात्र है या छात्र है, दूसरा दूसरी पुस्तक है कि इनके पास, छात्र छात्र है या वात्र है, छात्र नहीं एक ही है संस्करण, दूसरे छात्र ठीक, छात्र बढ़िया लगता है, वात्र है, कृतो है ना, हाँ तो वात्र ठीक है, कृतो है, संधि है, वात्र है, वात्र विशेष वा अत्र वात्र विशेषो विशेष शब्द देना उचित इत्या। अब कहते हैं कि इसमें जो वात्र शब्द ठीक, इसमें जो विज्ञानं च अविज्ञानं च कहा गया तो विज्ञान का अर्थ हम देवता कर लें तो देवता चेतन होते या नहीं, चेतन की गणना कल इस पर बहुत बोले थे, चेतन की गणना कहाँ से होती है, विषय से नहीं, करण से नहीं, सुर देवता से, फिर उसके बाद जीव से, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद ब्रह्म, प्रथम चेतन प्राथमिक नीचे से आरोह क्रम में प्रथम चेतन देवता को मानते हैं, उसके बाद जीव, ये हुआ। जीवाधिष्ठित देवोद्भासित हमने शब्द बनाया है, जीवाधिष्ठित देवोद्भासित, जीव से अधिष्ठित देवता से उद्भासित, तो यहाँ पर चेतन विज्ञान के अर्थ कर लेंगे, चेतन चेतन माने देवता, देवता प्रथम चेत ऐसा, जीवाधिष्ठित देवोद्भासित ऐसा, यह जो
भोग्य का अर्थ कर लेंगे भाष्य, जीवाधिष्ठित देवोद्भाषित यह प्रपंच है। हम देवता का कार्यकरण से ऊपर उठकर देवता पर पहुंच गए, देवता का आलंबन लेकर जीव पे पहुंच गए, जीव का आलंबन लेकर ईश्वर तक पहुंच गए, ईश्वर का आलंबन लेकर निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुंच गए। पहुंचने के ढंग कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए मार्ग निकालना चाहिए। सीधे जीव को पकड़ने में कठिनाई हो तो देवता को मान लें, देवता का आलंबन लेकर कहाँ पहुँचेंगे, जीव तक। विषय करण सुर जीव समेता, सुर के सकल एक सचेता, मतलब देवता की अपेक्षा चेतना शक्ति किसमें अधिक है, जीव में। और जीवन भी किसका अधिक है, देवता का जीवन अधिक है या जीव का? यहाँ जितने व्यक्ति हैं कोई कह सकते हैं कि पहले इंद्र नहीं रहे या वरुण नहीं रहे आज मनुष्य शरीर में? जब कोई कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो हमें मुस्कान आते। अरे हमारे पूर्वज कौन थे? हम ही थे ना। क्या केवल मोक्ष प्राप्त हुआ होता तो यहाँ होते नहीं, कारक कोटि के सब हैं नहीं। जब हम कहते हमारे पूर्वज ऐसे थे तो ये क्यों नहीं कहते? बात तो ठीक है, हम उस समय ऐसे थे, यही हुआ ना। हमारे पूर्वज ऐसे थे तो क्या उस समय हम नहीं थे क्या? हमारे पूर्वज ऐसे थे का अर्थ क्या हुआ? हम पहले ऐसे थे। हमारे पूर्वज कौन थे? हम ही थे या नहीं? हमारे पूर्वज कौन थे कहने वाला आज है? केवल मोक्ष प्राप्त हो गया होता तो आज बोलता कैसे? हमारे पूर्वज ऐसे थे माने उस समय हम ऐसे थे, आज ऐसे हैं। उस समय हम ऐसे थे, आज ऐसे हैं। इसीलिए देवता को ले लें, सीधे जीव को पकड़ने में कठिनाई हो तो देवता को ले लें, तो देवता में भी भोक्तृत्व का आधान हो जाता है। देवता कस्मै देवाय हविषाविधेमः, जीवाधिष्ठित देवता जो होते हैं सीधे देवता भोक्ता कैसे बनेंगे? भोक्ता में भी तो जीव चाहिए। जीवाधिष्ठित देवता में भोक्तृत्व कर देंगे तो सुगमता पूर्वक अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।